So hey guys, मैं Alex और आप सभी लोग स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एलेक्स प्रो में। So guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कंपनी के मोबाइल का ब्रांड के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो एक नंबर का फ्रॉड है। तो बेसिकली ये कंपनी मुझे पसंद नहीं है, इसका जो मोबाइल ब्रांड मोबाइल जो है आपको भी बढ़िया नहीं आता, लेकिन इसका प्राइस ज़्यादा है। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ वीवो की। तो गाइस, वीवो ने एक नया ऑफर लॉन्च किया था जो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर में, तो वो आपका था ऑफर आपका 7, 8 और 9 में था आपका। उसमें क्या होता था, आपका जो वीवो नेक्स्ट है उस मोबाइल का आपको सिर्फ 1,949 रुपीज में देने का वादा किया था। तो बस सेल का मतलब इस तरह से था, आपको वीवो शॉप पे जाना पड़ेगा, उसके बाद तो आपको 7, 8 और 9 3 दिन में यह सेल चलता था। तो आपको करना क्या पड़ता था, आपको जाने के बाद वहाँ पे आपका 12 बजे दोपहर को 12 बजे वहाँ पे सेल होता था, जिसमें आपको जो वीवो नेक्स्ट है वो आपको सिर्फ 1,497 रुपीज मिलता था, जिसका असली प्राइस है 4,24,990 रुपीज। वीवो ने यह दावा किया था, लेकिन मुझे पता था ये एक फ्रॉड कंपनी है, ऐसा कुछ फ्रॉड करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसलिए एक दिन पहले मैंने जो अपना वीवो शॉप में जाके मैंने अपना वीवो आई डी बना लिया। अगर आप जा सकते तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे वीवो आई डी बनाना पड़ता है। तो मैंने भी अपना वीवो आई डी बना लिया, उसके बाद सब चीज़ ठीक ही चल रहा था। लेकिन जब दोपहर 12 बजने का फिर टाइम हो गया, तो मैंने आधे घंटे पहले उस वेबसाइट पर लॉग इन हो गया, तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन जब 12 बज गया था ऑटोमेटिकली मैं वहाँ से अकाउंट से लॉग आउट हो गया। लॉग आउट होने के बाद क्या, वहाँ पे प्राइस तो चल गया था, मैंने देख लिया उसका जो प्राइस है इतना हो गया। उसके बाद मैं लॉगिन करने की कोशिश किया, बहुत बार लॉगिन नहीं होता है, आपका ईयर दिखाता है, आपका टाइम आउट दिखाता है, उसके बाद जो आपको बाय नाउ वाला ऑप्शन है उसको भी ट्राई किया, उस पर दिखाता है योर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट अवेलेबल अगैर वगैरह। यानी कि एकदम फ्रॉड कंपनी है जो लोगों को फ्रॉड बनाने के लिए ये आपका ऑफर निकाला गया था, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं था। लेकिन बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि ये सच में है, लेकिन पता नहीं था उन लोगों को, लेकिन ये आपका फ्रॉड है, ये फ्रॉड बनाने के लिए आपको साथ किया गया था। इसलिए वीवो एक काफ़ी बड़ा घटिया कंपनी है, मैं भी कहता हूँ, क्योंकि मुझे पहले से वीवो का पसंद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसने लोगों के साथ ऐसा किया। तो बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इससे आपको इसे वीवो ओप्पो ऐसे फ्रॉड वाले कंपनी से अगर कोई ऑफर आता है तो आप बिलीव मत कीजिए, क्योंकि ये कंपनी का कुछ वादा नहीं है, क्योंकि ये सब फ्रॉड कंपनी है, कब क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं है। तो जैसे कि आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, ये हो गया बड़े बड़े ब्रांड, तो बड़े बड़े ब्रांड से ऐसा फ्रॉड नहीं निकाले, क्योंकि उनका जो बदनामी हो सकती है, क्योंकि उनका जो नाम है खराब हो सकता है, इसलिए ये लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन जो ओप्पो वीवो है अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए ऐसा किया, उसके बाद भी जो आप देख सकते आपको मैं दिखा रहा था उसमें सब देख सकते इसका प्राइस इतना था, लेकिन उसमें बाय करने का ऑप्शन जो है लेकिन उसका टाइम आउट खड़ा है। तो बस यही था आपका वीडियो, तो सबसे वीडियो था मैं भी आपको साथ शेयर करना चाहता था। तो बस अगर वीडियो पसंद को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आपने अभी देखा हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना मिलता है, टॉपिक के लिए पाए टेक केयर।